गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे इज आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश अगेन. यूनिट टू लेसन नंबर 5. हु आर यू. तुम कौन हो. लर्न रीड विद मी एंड इनेक्ट. तो ये हमें इनेक्ट करना है, मतलब एक्ट करना है, नाटक है छोटा सा. तो देखते पहले हम क्या है. ओके स्टूडेंट वन. तो स्टूडेंट वन जो होगा वो क्या कर बोल रहा है, देखो उसका डायलॉग देखो. हेलो आई एम अ फ्रेश ग्रीन कैबेज. हु आर यू. तो स्टूडेंट वन बोलेगा कि मैं एक फ्रेश ग्रीन कैबेज, मतलब ताज़ा हरा कैबेज, मतलब गोभी होता है ना, पत्ता गोभी, कोबी, वो हूँ. तुम कौन हो. ओके तो स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू को पूछ रहा है. तो ये है स्टूडेंट वन. ओके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है. फिर स्टूडेंट टू बोलेगा आई एम अ स्मार्ट वाइट रैबिट एंड आई ईट कैबेजेस. तो जो दूसरा स्टूडेंट है स्टूडेंट टू, ये ही विलन है बोलो या हीरो है जो भी है, पर ये थोड़ा सा इसको ज़्यादा डायलॉग है. ओके तो ये बोल रहा है आई एम अ स्मार्ट वाइट रैबिट, मतलब मैं स्मार्ट मतलब होशियार सफ़ेद रैबिट मतलब खरगोश हूँ एंड आई ईट कैबेजेस, और मैं कैबेजेस खाता हूँ मतलब गोभी खाता हूँ. समझ में आया. तो रैबिट कौन बना है, स्टूडेंट टू जो है वो रैबिट बना है, ठीक है. तो वो क्या बोल रहा है कि मैं कैबेजेस खाता हूँ, तो कैबेजेस खाता हूँ मतलब कैबेजेस को तो भागना पड़ेगा. तो स्टूडेंट वन आ आ करके चिल्ला के रन सवे भाग जाता है. तो ये एक छोटा सा हो गया, समझ में आया. रैबिट जो है वो स्टूडेंट वन को खाएगा, इसलिए स्टूडेंट वन जो कैबेज बनाए वो भाग जाएगा. फिर स्टूडेंट थ्री आएगा. हेलो आई एम अ जूसी क्रंची कैरेट. हु आर यू. अभी कौन आया, स्टूडेंट थ्री जो है वो कैरेट बना है. वो आया और उसने अपना इंट्रो कैसे दिया, पत्ता गोभी जैसे हरा था फ्रेश था, वैसे ही कैरेट कैसा है, जूसी मतलब रस भरा, क्रंची मतलब का हम जब खाते कैरेट तो आवाज आते ना करकर ऐसा, तो क्रंची कुरकुरी. और कैरेट हूँ मतलब मैं एक रस भरा कुरकुरी कैरेट हूँ, गाजर हूँ. तुम कौन हो. तो स्टूडेंट थ्री स्टूडेंट टू को पूछ रहा है फिर से. तो स्टूडेंट टू बोला वही डायलॉग आई एम अ स्मार्ट वाइट रैबिट, मैं एक सफ़ेद होशियार खरगोश हूँ एंड आई ईट कैरेट. तो अभी वो क्या खा रहा है, वो बोल रहा है कि मैं कैरेट्स भी खाता हूँ. सो फिर से स्टूडेंट थ्री आ करके खुद को बचाने के लिए रन सवे मतलब भाग जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्लिप है स्टूडेंट फोर. अभी स्टूडेंट फोर को ने देखते हैं. हेलो आई एम अ बिग रेड टमाटो. हु आर यू. तो स्टूडेंट फोर जो है वो है बड़ा सा लाल टमाटर, और वो अभी स्टूडेंट टू अगेन स्टूडेंट टू को पूछ रहा है कि तुम कौन हो. तो स्टूडेंट टू फिर से वही डायलॉग बोलेगा आई एम अ स्मार्ट वाइट रैबिट, और लास्ट का चेंज होके क्या आएगा एंड आई ईट टोमेटोज, मैं वाइट कलर का खरगोश हूँ और मैं टोमेटोज खाता हूँ. तो फिर से स्टूडेंट फोर जो है जो टमाटर बना है वो आ करके चिल्ला के रन सवे मतलब भाग जाएगा. ओके यहाँ तक समझ में आया. हु आर यू करते करते रैबिट कैबेज कैरेट और टमाटर को भगा दिया. अभी स्टूडेंट फाइव आया. अभी स्टूडेंट फाइव देखो. हेलो आई एम अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल. हु आर यू. मतलब मैं हरी पत्ते वाली सब्जी हूँ, लीफी मतलब पत्ते वाली सब्जी, पालक हो मेथी हो वो. ओके तो मैं वो सब्जी हूँ. हु आर यू. वो फिर से स्टूडेंट टू को स्टूडेंट फाइव जो लीफी वेजिटेबल बना होगा वो पूछेगा. सो स्टूडेंट कौन टू को ने आपको पता है आई एम अ स्मार्ट वाइट रैबिट एंड आई ईट वेजिटेबल्स, और मैं सब्जियाँ खाता हूँ. तो फिर से जो स्टूडेंट फाइव जो है सब्जी बना हुआ वो आ करके रन अवे भाग जाएगा. समझ में आया. यहाँ तक क्लियर है. कैबेज आया, कैबेज को भी भगा दिया रैबिट ने. कैरेट आया, कैरेट को भी भगा दिया. टमाटर आया, टमाटो को भी भगा दिया. लीफी वेजिटेबल्स आई, उनको भी भगा दिया. अभी आया स्टूडेंट सिक्स. तो स्टूडेंट सिक्स जो है वो है फॉक्स. सो स्टूडेंट सिक्स बना है लोमड़ी, फॉक्स मतलब कोल्हा, म्हणजे कोल्हा. सो अभी देखो स्टूडेंट सिक्स क्या बोल रहा है. हेलो हु आर यू. तो अभी तक हमने जो भी देखे उन सब में वेजिटेबल्स ने पहले खुद का इंट्रो दिया है, फिर रैबिट से पूछा है हु आर यू, करेक्ट. पर अभी फॉक्स खुद पहले आके पूछ रहा है रैबिट से कि हु आर यू,
तुम कौन हो, ठीक है। फिर स्टूडेंट टू बोलेगा I am a smart white rabbit and I eat vegetables। जो अपना डायलॉग है वो बोलेगा कि मैं होशियार रैबिट हूँ और मैं वेजिटेबल्स सब्जियाँ खाता हूँ, और बोलेगा Who are you, तुम कौन हो। तो अभी स्टूडेंट सिक्स बोला I am a super duper clever fox and I eat smart white rabbits। मतलब मैं ज़्यादा होशियार फॉक्स हूँ और मैं किसे खाता हूँ, रैबिट्स को, सब वो भी सेम स्मार्ट वाइट रैबिट्स, होशियार सफ़ेद रैबिट्स को। तो अभी भागेगा कौन, रैबिट, देखो कैसे भाग रहा है, आ करके भाग चिल्लाएगा और वो भाग जाएगा और उसके पीछे स्टूडेंट सिक्स भी उसको पकड़ने के लिए भाग जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटा सा एक्ट था जिसमें पहले सारे वेजिटेबल्स भाग रहे थे रैबिट से बचने के लिए और आखिर में रैबिट भाग रहा है फॉक्स से बचने के लिए। तो इस लेसन से, इस एक्ट से, इस लेसन से आपको क्या सीखने को मिला कि खुद के होशियारी में पे इतना भी मत अभिमान करो कि आखिर में खुद ही उसमें फंस जाओ, ओके। और अगर आप कभी किसी के साथ बुरा करोगे तो आखिर में आपके साथ भी बुरा ही होगा। तो जैसे रैबिट को खुद के होशियारी पे बहुत नाच था, आखिर में उससे भी ज़्यादा होशियार कोई आया और उसको भागना पड़ा, ठीक है, समझ में। तो उन्होंने बोला है इनएक्ट द स्टोरी, हमको ये स्टोरी का एक्ट करना है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, हम घर पे है, ओके। और क्या बोला है उन्होंने कि यू यूज अनादर नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और ज़्यादा हम वेजिटेबल्स के नाम ऐड करके और ज़्यादा कैरेक्टर्स ऐड कर सकते और ज़्यादा स्टूडेंट्स ले सकते। जैसे कि लीफी वेजिटेबल के बाद उन्होंने यहाँ पे आपको और ऑप्शन दिए, पम्पकिन है, कॉलीफ्लावर है, ब्रिंजल है, रेडिश है। सो पम्पकिन मतलब भोपला, तो अगर हमने उसको ऐड किया तो वो डायलॉग क्या हम बोलेगा कि आई एम अ बिग फैट पम्पकिन, मैं बड़ा मोटा पम्पकिन मतलब भोपला हूँ। और सेम हु आर यू पूछेगा और लास्ट में आ करके भाग जाएगा। फिर कॉलीफ्लावर लिया तो कॉलीफ्लावर का डायलॉग क्या बनेगा, आई एम अ लीफी कर्ली कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, ऐसा ऐसा रहता है ना, को आपला फ्लावर बोलता अपन वो। फिर ब्रिंजल बैंगन वांगा, तो उसका डायलॉग क्या आएगा, आई एम अ टाइनी पर्पल ब्रिंजल, मैं छोटा सा बैंगन कलर का, बैंगनी कलर का बैंगन हूँ। फिर रेडिश मतलब मूला रहता है ना सब्जी में डालने वाला वाइट कलर का, उसका डायलॉग क्या आएगा, आई एम अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रेडिश, मैं लंबा और मजबूत रेडिश हूँ, मूला हूँ, ओके। तो और अभी हम पूरा एक्ट तो इनएक्ट नहीं कर सकते, पर आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक कैरेक्टर पकड़ना है, रैबिट का हो, कैबेज का हो, कैरेट का हो, टमाटो हो, लीफी वेजिटेबल हो, फॉक्स हो, जो भी आपको पसंद हो, या यहाँ पे दिए ना पम्पकिन, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, रेडिश, वो भी बन सकते, ओके। फिर उस कलर का कपड़ा पहनना है, क्लोथ्स पहनना है, जैसे कि रैबिट बने तो वाइट, कैबेज बने तो लाइट ग्रीन, कैरेट बने तो ऑरेंज, टोमेटो बने तो रेड, लीफी वेजिटेबल बनना है तो डार्क ग्रीन कलर के, फॉक्स बने तो ब्राउन कलर यूज़ करो, और जैसे इस हिसाब से बने वो कपड़ा, उस कलर का कपड़ा पहनो। फिर आपको हाथ में पेपर लेना है जिसपे उस कैरेक्टर का नाम हो, कैबेज बने तो कैबेज का नाम, रैबिट बने तो रैबिट का नाम, कैरेट बने तो कैरेट का नाम, नाम मतलब आपको ऐसे स्पेलिंग डालना है, कैरेट स्पेलिंग, और ड्राइंग बना सकते हो कैरेट की, कैरेट इस तरीके का होता है ना, ओके, समझ में आया। और फिर उसकी जो भी लाइन दी है ना लिसन में वो बोलनी है आपको, जैसे कि कैबेज की है, आई एम अ फ्रेश ग्रीन कैबेज, मैं ताज़ा हरा कैबेज हूँ, और उस पर आप दो तीन लाइन ऐड कर सकते हो कि आई एम हेल्दी फॉर यू, कैबेज हमारे लिए हेल्दी होता है, सभी सब्जियों के लिए ये लाइन आप ऐड कर सकते हो कि आई एम हेल्दी फॉर यू एंड यू कैन इट मी इन मेनी वेज, हम उसको अलग अलग तरीके से खा सकते, ये दो तीन लाइन ऐड करके 15 सेकंड का भी वीडियो बनाना तो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आई होप आप ये ट्राई करेंगे, ऑल राइट। फिर नोटबुक में देखो मैच करना है, तो कॉलम ए और बी, तो ए कॉलम में डिस्क्रिप्शन दिया है सब्जी का और कॉलम बी में वेजिटेबल सब्जियाँ दी है। सो फ्रेश ग्रीन क्या था, कैबेज, तो फ्रेश ग्रीन कैबेज, जूसी और क्रंची कैरेट, बिग रेड लाल कलर का टोमेटो, और ग्रीन लीफी हरी और पत्ते वाली वेजिटेबल्स सब्जियाँ। फिर आपको नेम्स कॉपी करने वेजिटेबल्स के, जैसे मैंने लिखे स्पेलिंग वही सामने लिखने, कैबेज, कैरेट, टोमेटो, लीफी, पम्पकिन, ब्रिंजल, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च,
रेडिश अनियन, अनियन मतलब कांदा, पटैटो बटाटा, लेडीज फिंगर मतलब भिंडी और कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, ठीक है। और लास्ट में ड्रॉ करके कलर, जो लेसन में वेजिटेबल्स आए हैं उन्हीं का ड्राइंग ऐसे आप छोटा छोटा बना के कलर कर सकते हैं, बड़ा बनाए तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। ओके, तो ये कैबेज है, कैरेट है, टमाटो है और लीफी वेजिटेबल्स है, ठीक है। तो पेपर पे आप जब नाम लिखोगे एक्टिविटी करते वक्त, तब आप ऐसे ड्राइंग भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आया और आप ये एक्टिविटी एक कैरेक्टर बनने का ट्राई करोगे, ठीक है। थैंक यू।